जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से भारत के ओलंपिक्स में रेसलिंग मैचेस शुरू हो रहे हैं और पहली जो रेसलर जो भाग लेंगी वो होंगी सोनम मलिक, जो 62 केजी कैटेगरी में भाग लेंगी भारत की तरफ से। तो आइए इस वीडियो में हम नज़र डालते हैं भारत के कौन कौन से रेसलर्स हैं जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और उनके इवेंट्स कब कब हैं। तो देखिए, कल यानी कि 3 अगस्त को सोनम मलिक अपना राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगी 62 केजी कैटेगरी में। तो अगर वो अपना राउंड ऑफ 16 का मुकाबला जीत जाए तो सेमीफाइनल्स में भी हमको दिख सकती हैं कल ही। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर वो हार जाए इससे पहले ही, तो अगर वो क्वालिफाई करेंगी रेपेचार्जेस के लिए तो हमको 4 तारीख को वो रेपेचार्जेस राउंड में भी दिख सकती हैं सुबह के 7:30 बजे से। तो 62 केजी के जो रेपेचार्जेस के मुकाबले हैं वो 4 तारीख को होंगे और साथ ही मेडल मैचेस भी 4 तारीख को ही होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर वो हार जाए फिर भी रेपेचार्जेस के लिए क्वालिफाई करेंगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे रेपेचार्ज क्या होता है। तो देखिए, हम पहले जान लेते हैं रेपेचार्ज राउंड क्या होता है, इसके बाद हम बाकी का शेड्यूल जानेंगे। तो देखिए, रेपेचार्ज एक फ्रेंच वर्ड से आया है रेपेचर, जिसका मीनिंग होता है टू फिश आउट और रेस्क्यू, मतलब किसी को बचाना। तो जनरली ये क्या होता है, जब कोई रेसलर अपना क्वार्टर फाइनल से पहले का मुकाबला अगर हार जाए किसी रेसलर से, मतलब किसी अच्छे रेसलर से, और जिससे वो हारा हो वो रेसलर अगर फाइनल में पहुंच जाए तो इनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने का मौका मिलता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल के लिए कम्पीट करने का मौका मिलता है। तो कुश्ती में ऐसा नहीं है कि जो सेमीफाइनल में जो हारते हैं वो डायरेक्ट ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलें, उनको रेपेचार्जेस राउंड से कंपटीशन आता है, क्योंकि जो रेसलर फाइनल में गए हैं उन्होंने जिस जिस रेसलर को हराया था पहले, मतलब पहले के राउंड में, उनको फिर से ब्रॉन्ज मेडल के लिए कंपीट करने का मौका मिलता है और इसी को कहते हैं रेपेचार्ज राउंड। तो आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 4 तारीख को तो 62 केजी वुमेन्स के जो रेपेचार्ज राउंड होंगे और मेडल मैचेस होंगे हमें पता है, लेकिन 4 तारीख को ही भारत की अंशु मलिक 57 केजी वुमेन्स फ्री स्टाइल में हमको दिखेंगी सुबह के 8 बजे से। और अगर ये राउंड ऑफ 16 में जीत जाए अंशु मलिक तो सेमीफाइनल्स में भी हमको उसी दिन दिखेंगी, लेकिन अभी समय निर्धारित नहीं है सेमीफाइनल्स का। जब राउंड ऑफ 16 के सभी मुकाबले ख़त्म होंगे उसके बाद सेमीफाइनल के जो टाइमिंग्स है वो घोषित होंगे। उसके बाद 4 तारीख को हमें हमारे और रेसलर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें 57 केजी मेंस फ्रीस्टाइल में हमको देखने को मिलेंगे भारत के बहुत ही उभरते हुए रेसलर रवि कुमार दहिया, और इनके मुकाबले शुरू होंगे सुबह 8 बजे से ही, उसी दिन सेमीफाइनल मुकाबले भी होंगे। इसके बाद 4 तारीख को एक और रेसलर हमको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है दीपक पुनिया, और यह मेंस फ्रीस्टाइल 86 केजी राउंड ऑफ 16 में हमको देखने को मिलेंगे, साथ ही क्वार्टर फाइनल्स में भी देखने को मिलेंगे। और अगर दीपक अपना जो मैच जीत जाए तो हमको सेमीफाइनल में भी उसी दिन देखने को मिलेंगे दीपक। लेकिन हमारे कोई भी रेसलर अगर रेपेचार्ज के लिए क्वालिफाई करते हैं तो रेपेचार्ज राउंड 5 तारीख को होंगे, यानी कि जो रेपेचार्ज राउंड होंगे इन तीनों इवेंट्स के या फिर तीनों वेट कैटेगरीज के वो 5 तारीख को होंगे, तो हमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए कम्पीट करते भी दिख सकते हैं रेपेचार्ज राउंड में हमारे रेसलर्स। इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी रेसलर है जिन पर भारत की उम्मीदें टिकी हुई है, वो है विनेश फोगाट। उनके जो राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले हैं वो हमें देखने को मिलेंगे 5 अगस्त को सुबह के 8 बजे से। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं भारत के दृष्टिकोण से रेसलिंग के ये सभी मुकाबले। और विनेश अगर अपना क्वार्टर फाइनल्स जीत लेती हैं तो सेमीफाइनल्स में भी वो क्वालिफाई कर जाएंगी और उसी दिन सेमीफाइनल्स मुकाबले में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन किसी भी कारण से अगर विनेश अपना कोई भी मुकाबला हार जाए और जिनसे वो हारी हो वो अगर फाइनल्स में पहुंच जाए तो हमको विनेश को रेपेचार्ज राउंड में देखने का मौका मिल सकता है। इसके बाद मेंस रेसलिंग में भारत के सबसे बड़े रेसलर जो हैं बजरंग पुनिया, उनका जो मुकाबला होगा वो होगा 56 केजी मेंस फ्रीस्टाइल में राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स हमको देखने का मौका मिलेगा अगस्त 6 को,
तो आप लोग ये डेट याद रख लीजिए। बजरंग से भारत को बहुत उम्मीदें हैं और हम आशा करते हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और भारत के सभी जो रेसलर्स हैं सभी अच्छा प्रदर्शन करें और भारत को रेसलिंग से बहुत सारे पदक आए। तो बजरंग पुनिया अगर अपना क्वार्टर फाइनल्स मुकाबला जीत जाए तो उसी दिन हमको सेमीफाइनल्स मुकाबले भी देखने को मिलेंगे 6 अगस्त को ही। इसके साथ 6 अगस्त को हमारी आखिरी जो रेसलर है सीमा बिस्ला, उनका भी मुकाबला देखने को मिलेगा वुमेन्स 50 kg राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स, जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से ही, यानी कि 8 बजे से रेसलिंग से सभी मुकाबले शुरू हो रहे हैं। अभी किसका मुकाबला कितने बजे होगा वो एग्जैक्ट घोषित नहीं हुआ है टाइमिंग्स, मतलब एक साथ ही 8 बजे से सभी मुकाबले शुरू होंगे और एक के बाद एक मुकाबले आते जाएंगे, तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। और साथ ही अगर सीमा बिस्ला भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए तो उसी दिन हमको सेमीफाइनल्स में भी देखने को मिलेंगी हमारी जो भारतीय रेसलर है सीमा बिस्ला। और जो 65 kg मेंस फ्रीस्टाइल और वुमेन्स फ्रीस्टाइल 50 kg के रेपेचार्ज राउंड होंगे वो होंगे 7 अगस्त को, तो हमें 7 अगस्त को भी देखने को मिल सकते हैं हमारे रेसलर अगर किसी भी कारणवश वो रेपेचार्ज में क्वालिफाई करते हैं। तो यही था भारतीय रेसलर्स का ओलंपिक में शेड्यूल। हम उम्मीद करते हैं भारत के सभी रेसलर्स अपने अपने बाउट जीतें और भारत के लिए रेसलिंग में बहुत सारे पदक आएं। भारत के सभी रेसलर सभी एक से बढ़कर एक है और सभी अपने अपने इवेंट्स में पदक ला सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं भारत के रेसलर्स बहुत सारे पदक लाएं अपने अपने इवेंट्स में और भारत की मेडल टैली बहुत ही ज़्यादा बढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।